आप देख रहे हैं ये टाटा की टियागो ईवी में, इससे पहले मैंने आपको टियागो ईवी जो थी वो ब्लिट्ज में दिखाई थी, अगर वो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे देख सकते हैं। जो ये ईवी है ना आप लोग को दो बैटरी पैक के साथ मिल जाएगी, एक तो 19.2 किलोवाट आवर का बैटरी पैक आएगा और एक आएगा 24 किलोवाट आवर का बैटरी पैक। जो 19.2 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है उसके अंदर एक्सटी और एक्सटी दो वेरियंट आ जाएंगे, और जो 24 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है उसके अंदर आपको एक्सटी, एक्सजेड प्लस और एक्सजेड प्लस टेक एलयूएक्स ये सारे वेरियंट मिल जाएंगे। जो एक्सजेड प्लस और एक्सजेड टेक एलयूएक्स वाला जो वेरियंट है टॉप वेरियंट, उसके अंदर आप लोग को फास्ट चार्जिंग मिल जाएगी। ये इसका पर्टिकुलरली टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट खड़ा हुआ है। आज की वीडियो में बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर मिल जाती है। गुड़गांव हरियाणा में 13,43,000 रुपीज़ कॉस्ट करता है, बाकी अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग जगह पे ये प्राइस वेरी कर सकता है। एक तो रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस का फर्क आएगा और ऊपर से इस गाड़ी के अंदर में आप लोग को सब्सिडी का भी फर्क आएगा। ये भाई बताएंगे कि क्या है ऑफचार्ज और किस चीज़ के लिए काम आता है। हमारी कंपनी जो है डोर स्टेप चार्जिंग सर्विस प्रोवाइड कराती है ऑल ओवर दिल्ली एनसीआर, ऑन डिमांड चार्जिंग सर्विस है। आपका टाटा से रजिस्टर्ड है? हाँ, टाटा के साथ हमारा टाइप है। अच्छा, हाँ जी, हाँ, और भी जो ईवीज है उन सब के साथ में हमारा टाइप। और फिर कॉस्ट कितनी रहती है इसकी चार्जिंग की? कॉस्ट हमारे प्लान्स है लिमिटेड और अनलिमिटेड, तो कस्टमर की रनिंग के हिसाब से वो प्लान होते हैं। जैसे किसी कस्टमर की 100 किलोमीटर की रनिंग है तो उनके लिए हम सजेस्ट करते हैं कि आप अनलिमिटेड के साथ जाइए। हाँ जी, तो अनलिमिटेड में क्या आप दिन में कितना भी कर सकते हैं, आपका जो कॉस्ट आएगा पर डे का 100 रुपीज़ आएगा। कितना पे करना होगा पहले आपको? हमारा प्लान है ईयरली 49,900 प्लस 18% GST। तो अभी 26 जनवरी का ऑफर चल रहा है, 26 जनवरी रिपब्लिक डे, तो उसमें आपको हम कैशबैक दे रहे हैं 26% का। तो अगर आप कैलकुलेट करें तो 110 रुपये पर डे का आएगा, और जो आप घर पे चार्ज करते हो घर पे 250 रुपये लगते हैं, 200-250 रुपये आएगा। और हमारा पूरी दिल्ली एनसीआर में घर पे घर चार्ज करोगे, और अगर आप पब्लिक स्टेशन जाते हो 0 से 80% करते हो, हम कितना भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा क्या है 20 किलोवाट और 80% विच कम फर्स्ट, उसमें से जो भी हो। लेकिन आपके पास अनलिमिटेड प्लान है तो आप दोबारा बुक कर सकते हो। अब इतना सस्ता है, 100 रुपये का भी नहीं पड़ेगा आपको दिन में, और घर पे 6 घंटे ले रहे चार्ज करने के लिए, 6 या मान लीजिए आप 12 घंटे भी लगते हैं मैक्स को तो चार्ज करने में, 10 घंटे लगते हैं। और एंजाइटी रहती है चार्जिंग, ईवी लेके निकल रहे इंसान की एंजाइटी है बिल्कुल। दिल्ली एनसीआर के अंदर कहीं भी बंद हो जाए तो भाई आप होप चार्ज को कॉन्टैक्ट कर लो, इनका सब्सक्रिप्शन ले लो। टॉप वेरिएंट की जैसे आप की देखोगे तो आप लोगों को कुछ इस तरीके की मिलेगी। इसके अंदर लॉक अनलॉक टेलगेट और फॉलो मी हेडलैम्प का जो है स्विच मिल जाता है, दोनों ही की आप लोग को रिमोट वाली मिल जाती है, तो ये चीज़ बढ़िया है। महिंद्रा एक्सट्रा ने कि एक चाबी तो आपको रिमोट वाली दे दे और एक चाबी जो है डम्मी वाली दे दे, टाटा भाई ये चीज़ तो बहुत सही है। अब इसके अंदर मिल जाएंगे आपको टॉप वेरियंट में प्रोजेक्टर हेडलैम्प येलो थ्रो के साथ में सिर्फ लो बीम में, और हाई बीम जो है इसका हेलोजन बल्ब के साथ ही काम करेगा। इंडिकेटर जो है हेलोजन बल्ब के साथ ही है, फॉग लाइट है वो भी हेलोजन बल्ब के साथ ही है। यहाँ पे जो है DRLs भी देखने को मिल जाएगी। लुक वाइज देखोगे इस गाड़ी को, CNG में देख लो, पेट्रोल में देख लो, तो सभी वेरिएंट की आप लोग को लुक बिल्कुल सेम ही मिलेगी। ये पर्टिकुलरली ड्यूअल टोन खड़ा हुआ है, नीचे तो जो बॉडी कलर मतलब जो आएगा वो कलर है, ऊपर की तरफ में इसकी ब्लैक रूफ है। ORBM जो है ये भी पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर दे रखे हैं। इस कलर के अंदर तो पर्टिकुलरली पता नहीं चल रहा है, जैसे इसके डोर हैंडल्स देखोगे ना तो भाई यहाँ आगे की तरफ से ये पियानो ब्लैक फिनिश में कर रखे हैं। रिक्वेस्ट सेंसर भी इस टॉप वेरिएंट मिल जाता है गाड़ी को लॉक एंड अनलॉक करने के लिए। जैसे ही मैं इस गाड़ी को लॉक करूंगा तो भाई कोई भी आवाज नहीं करती है, और गाड़ी अनलॉक करने पर भी कोई भी आवाज नहीं करती है। लॉक और अनलॉक करने पर इसके ORBM जो है फोल्ड एंड अनफोल्ड होते हैं, और जैसे मान लो आपकी खिड़की थोड़ी सी भाई खुली रह गई और फिर मैं गाड़ी को लॉक करूंगा तो गाड़ी लॉक नहीं होगी और आपकी गाड़ी जो है आवाज करेगी। ORBM बेसिक से फोल्ड हो जाओ बट जो गाड़ी है ना आपकी लॉक नहीं होगी, तो ये चीज भाई इसके अंदर में काफी सही सी मिल जाती है। एंटीना देख रहे हो ना, माइक्रो टाइप ही गाड़ी के अंदर में एंटीना मिलता है, और जो इसकी बैटरी प्लेसमेंट है ना देख रहे आप यहाँ पे प्लेस की हुई है, या आगे की तरफ में भाई कनेक्शन वायर दे रखे हैं, बट शायद पीछे से ऐसे लग रहा है कि भाई ग्राउंड क्लियरेंस मान लो यहाँ बीच वाला एरिया जो है ना ये वाला एरिया यहाँ से कम से लग रहा है भाई इसका ग्राउंड क्लियरेंस। साइड में से तो ऐसे लग रहा था बिल्कुल ओके है, बट जैसे नीचे से देखोगे ना तो यहाँ से लगेगा भाई यहाँ टिकने के थोड़े बहुत चांसेस हो सकते हैं, तो ये आपको बचा के चलानी पड़ेगी। इस गाड़ी के अंदर जैसे देखोगे ना आपको अलॉय व्हील्स नहीं मिलते हैं, स्टाइल रिम ही बेसिकली इसके अंदर दे रखे हैं। अपोलो के टायर्स हैं और इसके अंदर टायर सेक्शन मिलता है 170/65 R14 इंच का। पीछे की तरफ में आपको डिफोगर वाइपर दोनों चीज़ें मिल जाती है, हाई माउंट स्टॉप लैंप भी दे रखे हैं। अब जैसे ये बटन दे रखे हैं ना इसका बहुत इकनो मतलब ढंग से ही नहीं है, अगर जैसे इसका बटन यहाँ पे होता तो भाई बिल्कुल आसानी से खुल जाता। अब ये बटन यहाँ पहले ऊपर से दबाओ और फिर जाके जो है आपकी ओपन होगी, बट इसकी प्लेसमेंट यहाँ होती ना तो ज़्यादा बेटर होता।
जो इसके इस वाले वेरिएंट में आप लोगों को कैमरा मिल जाएगा, बट जो पार्किंग सेंसर है ना भाई वो इसके अंदर से कट चुके हैं। नीचे वाले वेरिएंट आएंगे वहाँ पे क्या रहेगा, आपको पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे बट वहाँ कैमरा कट जाएगा। और ये दे रखा है इसका पर्टिकुलरली चार्जर, और यहाँ पे दे रखा है इसका आपको पार्शल ट्रे। और इस गाड़ी के अंदर ना एक चीज़ है कि आप लोग को स्पेयर व्हील नहीं मिलता है, सिर्फ टायर पंचर की मोबिलिटी किट मिलेगी, उसी पर आपको डिपेंड रहना पड़ेगा। और जैसे आप गाड़ी को चार्ज करना चाहते हैं तो उसका लीड यहाँ लेफ्ट साइड में दिया हुआ है। ये जैसे ऊपर वाला तो रहेगा आपका नॉर्मल चार्जिंग के लिए, और जैसे नीचे वाला रहेगा वो रहेगा इसके अंदर फास्ट चार्जिंग के लिए। अगर जैसे आप इस गाड़ी को बाहर चार्ज करते हो ना, मान लो स्टैटिक का चार्जर पे चार्ज करते हो, तो वहाँ पे 17 रुपये यूनिट लगती है भाई बाहर चार्ज करने पर, एक बार बंद कर दे। और इंडिकेटर वगैरह सब कुछ इसके हैलोजन बल्ब के साथ में मिलते हैं। अब गाड़ी के इंटीरियर से भी दिखाता हूँ कि आप लोग क्या किस चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पे दे रखे हैं इसके चारों पावर विंडो के स्विचेस, और यहाँ पे दे रखे हैं बेसिकली इसके ORVMs के कंट्रोल। स्पीकर की क्वालिटी भाई गाड़ी के अंदर में बहुत ही ज़्यादा अच्छी आ जाती है। बोतल कैरी करने के लिए होल्डर है, लेदर अपोल्स्ट्री की गाड़ी के अंदर में सीट कवर्स मिल जाती है, दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, हाइट एडजस्टेबल सीट भी जो है गाड़ी के अंदर में मिल जाती है। ओ भाई विजिबिलिटी वगैरह, भाई सीट पूरी ऊपर है ना, तो भाई एक नंबर किसी गाड़ी के अंदर में से विजिबिलिटी आ रही है। सही है भाई, बिल्कुल कमांडिंग सी पोजीशन है, गाड़ी को चलाने में एक नंबर का मजा आएगा। और जो गाड़ी का स्टेयरिंग व्हील है इसके अंदर सिर्फ टिल्ट एडजस्टमेंट आएगी, टेलीस्कोपिक नहीं आएगी। यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, ऑटो हेडलैम्प्स गाड़ी के अंदर में आ जाते हैं, और ऑटो वाइपर भी जो है गाड़ी के अंदर में आ जाते हैं। इस गाड़ी का जैसे आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखोगे ना, तो ये आपको फुली डिजिटल में मिलता है। इसको अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो इसके कंट्रोल्स ना यहीं से होंगे। ये देखो अब इसके अंदर इन्फॉर्मेशन दिखा देता हूँ क्या क्या दिखा रहा है। ये तो आपका टेम्परेचर वगैरह हो गया, ट्रिपे हो गई, और ये ओडोमीटर हो गया, बस यही इन्फॉर्मेशन शो करता है। और इसके अंदर ना आपको रीजन के बटन भी मिल जाते हैं, देखो ये दे रखा, ये रीजन आपकी लेवल 2 पे हो गई, और दोबारा से करेंगे लेवल 3 पे हो गई, मतलब 3 इसके ज़्यादा लेवल है। इससे क्या भाई, जो आपकी रेंज है वो तो बढ़ जाएगी, बट यूँ है थोड़ा सा डी एक्सलेट करोगे ना तो गाड़ी ऑटोमेटिकली ब्रेक लेती है, तो इसके फायदे भी होंगे नुकसान भी होंगे। एक तो आपको ब्रेक जो आपके शू हैं कम घसेंगे, बट वही है बहुत ज़्यादा ब्रेकिंग से लगने लग जाती है जैसे लेवल 3 में चलती है। तो ये इसके फॉग लाइट के लिए बटन दे रखा है, चार्जर को लॉक एंड अनलॉक करने के लिए दे रखा है, गाड़ी को लॉक एंड अनलॉक करने के लिए दे रखा है, उसके टेलगेट को ओपन करने के लिए दे रखा है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, जैसे आप हवा को मंदी टेम्परेचर को अप डाउन करोगे तो यहाँ ऊपर स्क्रीन में ही शो करेगा। 12 वोल्ट का शॉकेट है, USB है, गियर तो आते नहीं है, बट जो इसके सेलेक्टर हैं वो कुछ इसी तरीके के मिलेंगे, न्यूट्रल ड्राइव स्पोर्ट्स एंड रिवर्स के लिए दे रखे हैं। आर्मरेस्ट यार पता नहीं गाड़ी में क्यों नहीं है, आर्मरेस्ट होता तो बहुत ही बढ़िया कंफर्ट रहता। 12 वोल्ट का शॉकेट यहाँ पे दिया हुआ है, IRBM मैनुअल में है। पैसेंजर साइड सनवाइजर में देखोगे तो यहाँ पे आपको मिरर मिल जाता है, और ड्राइवर साइड सनवाइजर में आप लोग को जो है टिकट होल्डर मिल जाता है। ग्लो बॉक्स भाई गाड़ी का बिल्कुल बढ़िया से मिलता है, और फिट एंड फिनिश आप खुद ही देख लो भाई, ये देखो यहाँ देखो गैप्स, और यहाँ देखो यहाँ तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। अब यहाँ से आके यहाँ देखो, फिर ये देखो यहाँ ज़्यादा सा हो रहा है, यहाँ कम हो रहा है। तो यार इन फिट एंड फिनिश के मामले में ना मेरे को टाटा इतनी पसंद नहीं आती, और रिफाइनमेंट के मामले में इतनी पसंद नहीं आती। विजिबिलिटी वगैरह तो भाई गाड़ी के अंदर से काफ़ी अच्छी है, 6 फुट के अकॉर्डिंग बिल्कुल सीट एडजस्ट कर रखी है, और सीट मैंने ऑल द वे बैक कर रखी है। तो यार ये चीज़ मेरे को बड़ी अजीब सी लगी, स्टेयरिंग व्हील अगर पूरा ऊपर कर लेते हैं, अगर ज़्यादा हेल्दी पर्सन बैठेगा ना, ज़्यादा मोटा मोटा जिसे बोलते हैं 6 फुट से बड़ी हाइट है, तो उसके लिए इस गाड़ी को चलाने में थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती है, क्योंकि सीट जो है इसकी ज़्यादा पीछे नहीं जाती है। अब सेकंड रो में देखो, ऑल द वे बैक करने के बाद सिर्फ इतना सा ही जो है आपका स्पेस बचता है। अब सेकेंड रो में देखो भाई, ऑल द वे बैक करने के बाद नी रूम लेग रूम सफिशेंट है इस गाड़ी के अंदर में, दो ही जने गाड़ी के अंदर में आराम से बैठ सकते हैं। फर्स्ट रो में तो आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट दे रखे थे, बट सेकंड रो में क्या है, फिक्स ही हेडरेस्ट मिलेंगे, कोई यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट नहीं मिलेगा, आइसोफिक्स सीट्स नहीं मिलेगी, सिर्फ दो ही गाड़ी के अंदर में 3-point सीट बेल्ट दे रखे हैं। बीच वाले बंदे के लिए कोई यहाँ पे आपको सीट बेल्ट नहीं मिलती है। रीडिंग लैंप यहाँ ऊपर की तरफ में ही अवेलेबल आप लोग को, उत्तर पीछे से कुछ ऐसा लगता है इस गाड़ी का डैशबोर्ड देखने में। तो ये गाड़ी है ना 24 kWh का बैटरी पैक ये प्रोड्यूस करेगी, 74 BHP और 114 Nm का टॉर्क यहाँ पे लगी हुई है गाड़ी की मोटर। इसके
इसके अंदर आप लोग को 8 साल की वारंटी जो है मिल जाती है। बाकी 8 साल के बाद मतलब जैसे गाड़ियों में क्या रहता है अपनी जैसे इलेक्ट्रिक जो व्हीकल रहती है टाइम के साथ उनकी बैटरी, इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं फ़ोन की भी देख लो जो टाइम के साथ बैटरी रहती है उनकी कम होती है, तो रेंज भी भाई जाहिर सी बात है इसकी टाइम के साथ में कमी होगी। बट जो फ्यूचर है इलेक्ट्रिक व्हीकल ही अपनी लिस्ट में, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल ही अब ज़्यादा उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। जो इस गाड़ी की रेंज है 315 किलोमीटर की कंपनी क्लेम करती है, हद से हद मान के चलाएगी आपकी 250 किलोमीटर, बाकी आप पर डिपेंड करेगा कि 250 चलाएगी उससे कम चलाएगी। तो गाइस ठीक है यही सब कुछ आज की इस वीडियो में। अगर आप टाटा की कोई भी गाड़ी लेना चाहते हैं तो डीलरशिप का जो कॉन्टैक्ट नंबर है आपके नीचे स्क्रीन पर आ रहा होगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक करना। बाय बाय।